एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साध्वी रेप केस में सजा काट रहे राम रहीम के उसकी माँ, बेटा, बेटी और दामाद मिलने के लिए आए। उन्हें देखकर बाबा खुश हो गया। सोमवार को पूरे परिवार को देखकर राम रहीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 20 से 25 मिनट तक माँ नसीब कौर, बेटे जसमीत, बेटी अमरप्रीत और दामाद जसमीत ने गुरमीत राम रहीम से मुलाकात की। इस दौरान बाबा ने परिजनों से डेरे की व्यवस्था के बारे में बातचीत की। बताया जाता है कि डेरे की गद्दी किसको सौंपी जाए, इस बारे में परिवार राम रहीम से उनकी राय लेने आया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जेल प्रशासन से लेकर पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी राम रहीम का व्यक्तिगत मामला बताकर चुप्पी साधे हुए हैं। पूरा परिवार 2:30 बजे सुनारिया जेल पहुंचा और 4:15 बजे रवाना हुआ। वहीं इस मुलाकात के चलते सुनारिया जेल के आसपास पुलिस अलर्ट रही। किसी अन्य को मुलाकात कक्ष की तरफ नहीं जाने दिया गया। वहीं सामान्य बंदियों से उनके परिजनों की 2 बजे तक ही मुलाकात करवाई गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर हरियाणा नंबर की गाड़ी से परिजन जेल पहुंचे। एंट्री से पहले उनकी तलाशी ली गई, वीडियोग्राफी करवाई। गाड़ी में कुछ पॉलीथीन बैग थे। बताया जाता है कि इनमें ड्राई फ्रूट्स के अलावा कुछ और खाने का सामान था।